फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्म जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का। आखिर क्यों राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को लगा दी थी डांट, जिसके बाद डिंपल ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफ़ी। राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो पहले सुपरस्टार है और डिंपल कपाड़िया ने जब उनसे शादी की, राजेश खन्ना पहले से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार थे जबकि डिंपल उनसे उम्र में 15 साल छोटी थी। उसके बावजूद भी जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को शादी को ऑफर दिया, तब डिंपल कपाड़िया ने बिना सोचे समझे तुरंत शादी के लिए हामी भर दी थी। हालांकि राजेश खन्ना उनसे उम्र में 2 गुना बड़े थे। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार की पत्नी होना बहुत बड़ी बात थी। डिंपल और राजेश खन्ना ने 1973 में शादी की थी। हालांकि शादी के 10 साल बाद दोनों सेपरेट हो गए थे, लेकिन एक कपल के तौर पे उन्होंने हमेशा ही सुर्खियां बटोरी थी। डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू शेयर करते हुए बताया था कि राजेश खन्ना ने कैसे उनकी डांट तक लगा दी थी। राजेश खन्ना से शादी करने से पहले डिंपल कपाड़िया बॉबी फिल्म में काम कर रही थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजेश खन्ना से शादी करके वो हाउसवाइफ बन गई थी। लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी एक फिल्म बन रही थी 1990 में, जय शिव शंकर। हालांकि वो फिल्म बन के तैयार हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई। डिंपल कपाड़िया ने बताया, हम फिल्म की शूटिंग पर थे, उस वक्त काका की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बालकनी में जा कर प्रेस को मिलना था। मैंने काका से कहा कि आप शॉल और सनग्लासेस ले लीजिए, और बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने उनसे कहा कि जब आप बाहर जाएंगे तो सीधा मत देखना, क्योंकि आपका साइड प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। तब काका ने अचानक से मेरी तरफ देखा और बड़े एटीट्यूड में कहा कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे देखना है। डिंपल ने बताया कि राजेश खन्ना के स्टार एटीट्यूड से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि राजेश खन्ना एक बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और मेरा ऐसे कहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैं इतना डर गई कि मैंने अपने हाथ जोड़े और उनसे माफ़ी मांगी, वो भी क्या स्टार थे। हालांकि ये फिल्म कभी भी रिलीज ना हो पाई और ना ही राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया को लोग एक साथ पर्दे पर देख पाए थे। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया अलग रहने लगे थे, लेकिन दोनों का कभी भी तलाक नहीं हुआ। राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में डिंपल कपाड़िया ने उनका पूरा साथ दिया था जब उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हुई थी। हालांकि आज तो काका हमारे बीच नहीं है, लेकिन काका के आज भी कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।